अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा ब्लॉग है कि आज हम रुई में जा रहे हैं, वहाँ रुई में टूर्नामेंट हो रहा है और फरूक भाई की टीम का आज मैच है। तो फरूक भाई से हम पूछते हैं कि वहाँ मैच की क्या सिचुएशन है और आप कैसे वहाँ खेल रहे हैं और आपकी क्या रेगुलेशन है, रूल्स हैं, और आप कहाँ पहुँच चुके हैं। इनकी टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके साथ था जो लड़का वो इतना अच्छा नहीं खेल सकता था, जिसकी वजह से इनकी टीम अभी बाहर हुई है टूर्नामेंट से, दोबारा इंटर की है। पहुंचे खड़े तो हैं लाला। हम अभी रुई में जा रहे हैं, तो आपको बारिश भी हुई है सुबह सुबह बहुत ज्यादा, इतनी बारिश हुई है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपको बताऊंगा कि वो बारिश जो हुई है वो तकरीबन रात 1 बजे स्टार्ट हुई है और आज सुबह 8 बजे खत्म हुई है, ठीक है। तो इतनी शदीद बारिश थी कि की फोटो बाज है वो तो डूब गया सारा, गाँव में तो कुछ बचत हो गई है। तो अभी मैं आपको मिलाता हूँ फरूक से, जिसका आज मैच है, तो वो आज शेयर करता है, बहुत फनी बातें करेगा और आप महसूस होएगा, ठीक है, और परेशान मत होना। अभी मैं जा रहा हूँ फरूक के पास, तो उससे इंटरव्यू लूँगा, तो जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में वो हमें आगाह करेंगे। तो कैसा चल रहा है हमारा टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में पहले मैं एज ए चीफ गेस्ट भी शिरकत कर चुका हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हमारे गांव क्रिकेट को, क्योंकि हमारा जो बिल्कुल क्रिकेट है वो हमारे गांव की ख़त्म हो चुकी है। तो मेरी जदोजहद शायद रंग लाए और हमारी टीम एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाए। तो मेरी दुआ है कि मेरी ये कोशिशें और ये छोटी छोटी मेहनतें रंग लाएँ और हमारी टीम एक अच्छी टीम बने और इलाके में। अभी मैं फरूक के पास जा रहा हूँ, ठीक है। ओ हाँ जी, ममते को भेजो, ओ देरे ते लगा मान है ना, देरी कोठी नहीं अंदरू वाली जिथे समझा मैं, उस कोठी दे तल्लू रत्ती शलोशन टेप वाली गेंद पे मंजा दे तल्लू देख सी, ओ गेंद चाहतिया तो उका तू टूर पो कोई ना कोई सवारी मिलवासिया शीला आता पिए, मैं काम थोड़ जिया बिल्ली वाला ने मुकामने वो मुका क्या सा जी। अब मैं फरूक से पूछने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम सलाम फरूक भाई, आज आपकी टीम का मैच है और आप कैसा फील कर रहे हैं? जी देखो, ये तो रब के काम है, ये हम जीत सकते हैं या नहीं, मगर कोशिश तो फुल करेंगे जीतने के लिए, क्योंकि अपना सिर्फ हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि भाई अपना 100% देंगे गेम में। जी मैच देखो, ये एक खेल ही ऐसी है कि कौन हारता है कौन जीता है, जो हीर जाता है वो उसको तो थोड़ा सा दुख लगता है कि हम हीर हार रहे हैं, बिल्कुल, मगर हम तो यही कोशिश, जो भी खिलाड़ी मैदान में लाते हैं वो कहता है कि या अल्लाह मेरी तुमसे दुआ है कि हम जीतें, मगर जीतने वाला तो ये देखो एक ही होता है, दो मैदान में लाते हैं। लेकिन आप, अच्छा आपने बहुत से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, तो आपको कौन सा टूर्नामेंट यादगार था जो पहले आपने खेले हुए हैं? देखो जो पीछे साल का 82 में हुआ था, 282/4 में हुआ था, वहाँ से हमने देखा तो जीतने से खड़ा जी बता रहे थे आप। जो 282/4 में था तो वहाँ हम क्वार्टर फाइनल तक गए थे, मगर हमारे खिलाड़ी से उसका नुकसान हुआ था पैर का, उसकी वजह से हम हार गए थे। जो लगारिया 11/286/4 में था वहाँ से भी हमने तो बहुत कोशिश की, मगर हमारा एक खिलाड़ी ऐसा था कि उसने ज़िद पकड़ लिया था कि यार बैटिंग पे मैं जाऊँगा। हम तो ठीक है कैप्टन है, मगर कैप्टन इस बात के है ना कि इनको तसल्ली दे, हौसला अफजाई दे, मगर खिलाड़ी कुछ भी ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमने एंट्री दी है मगर हमें खेलना नहीं चाहता, ये बात जो दिल में फर्क आ जाता है ना वहाँ से बंदा बहुत मार खा जाता है। देखो भाई जो ही खेलो या शौक होता है तो वहाँ से उस अगले वाले भाई को कहो कि हमने खेलना है, यार ये मत सोचो कि हमें वारी नहीं मिली या हमें बॉलिंग नहीं मिली, ये बकवास है, खेलो अपने दिल पे शौक रखो यार, आज फील्डिंग है। अच्छा फरूक भाई, एक और सवाल है, ये हमारे जो गांव की क्रिकेट है इसके बैक में जाने की वजह क्या है कि हमारी क्रिकेट आज तक वो ग्रो जो पहले थी, जो नाम था एक? ये एक कह रहा है कि
सबसे पहली तो बात ये है यार, तुम क्यों जा रहे हो खेलने? तुम अपना कारोबार सीखो, ये एक शौक है। जो मर्जा है ना उठती हैं, ये मर्जा इसलिए उठती हैं कि हम बैठ 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 के कुछ भी नहीं कर सकते, मगर वजूद को ताकत चाहिए, वजूद को थोड़ी सी वहाँ से वर्दिश चाहिए। वर्दिश इसी चीज़ को कहा जाता है कि खेडोगे तो अपनी मर्ज़ी से खेडोगे, नहीं खेडोगे तो वो ही आपकी मर्ज़ी है। खेडोगे तो ये जो वजूद है तंदुरुस्त रहेगा, मोटा ना रह जासी, थोड़ी जहाँ हल्का रासी। तो प्लीज़ मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ही टीमियाँ उसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो काम भी ये कर रहे हैं खेलने वाले, जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, या मकसद है कबड्डी है या गाबी। जी फरूक भाई, आप बता रहे थे, बात अपनी कंटिन्यू रखें। तो जो वजह थी यानी क्रिकेट ख़त्म होने की गांव की, आप इसके मौजू पे बात कर रहे थे। देखो ये टच मोबाइल आ गया है, वहाँ से हर बच्चे से बच्चे के पास ही टच मोबाइल है, वो टच मोबाइल देखे या हमारे साथ क्रिकेट खेल ले, ये उनको मैं रुकावट करता हूँ कि ये टच मोबाइल या टीवी वर्गी ये चीज़ है ना, इससे दूर रहे, अपनी पढ़ाई करे। ठीक है पढ़ाई होती है तो पढ़ाई कर ले, मगर ये मत सोचे कि यार मैं टच देखूंगा तो मुझे कोई ना कोई खामी ज़रूर मिलेगी। ये बकवास है। सब चीज़ से सबसे पहले तो ये है कि सिर्फ कॉल मोबाइल रखो, कोई काम है तो कॉल वाला मोबाइल रखो, उसके पास कैमरा भी ना हो तो वो मोबाइल रखो और नमाज़ें पढ़ो। वहाँ से नमाज़ें अजाने हो रही हैं, इधर से नेट चल रहा है या यूट्यूब चल रही है। ये देखो भाई, मुसलमान को अपने पास जो अपनी औकात है ना उसके पास लेकर अंग्रेज़ जा रहा है। देखो इस बात को समझो और सोचो, अजान मिले तो नमाज जल्दी करो, या मकसद है कोई बेटी है, बड़ी हो गई है उसकी शादी करने से वक्त निकालो, उसको अपने घर भेजो, या कोई भाई है उसकी शादी करो। ये इसी बात से हम लोग वापस जा रहे हैं कि देखो ये कुरान शरीफ को हमने बहुत पीछे से रख दिया है, मगर कुरान शरीफ देखो मुसलमान कौन सी चीज़ है। मुसलमान ये है नेक काम करो, जो मुसाफिर जा रहा है उसकी इज्जत करो, जो नेक रास्ते पे जा रहा है उसको नेक रास्ता दिखाओ। शुक्रिया।